एवरीवन आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टर्बो फैन यानी कि टर्बो फैन के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। टर्बो फैन का आविष्कार टर्बोजेट की ईंधन खपत को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। यह अधिक हवा को धकेल कर ऐसा करता है जिसमें दरमियान बढ़ता है और टर्बोजेट की तुलना में प्रोपेलिंग जेट की गति कम हो जाती है। यह चिपचिपा बलों का उपयोग करने के बजाय एक डक्टेड पंखा जोड़कर यांत्रिक रूप से किया जाता है। एक वैक्यूम इंजेक्टर का उपयोग पंखे के साथ किया जाता है जैसा कि आविष्कारक फ्रैंक विटल द्वारा पहली बार परिकल्पित किया गया था। विटल ने अपने मार्च 1936 की यूके पेंटेड 4,71,368 विमान के प्रणोदन से संबंधित सुधार में 500 मील प्रति घंटे की उड़ान गति की कल्पना की जिसमें उन्होंने टर्बो फैन के पीछे के सिद्धांत का वर्णन किया। हालांकि उस समय इसे ऐसा नहीं कहा जाता था, जबकि टर्बोजेट अपने थर्मोडायनामिक चक्र के गैस को अपने प्रणोदन जेट के रूप में उपयोग करता है। 500 मील प्रति घंटे से कम की विमान गति के लिए इस डिजाइन के दो दंड हैं जिसमें टर्बो फैन द्वारा संबोधित किया गया। सबसे पहले ऊर्जा बर्बाद होती है क्योंकि प्रणोदक जेट विमान के आगे की ओर तुलना में बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रहा है जिससे बहुत तेज वेग बनता है। इस वेग में गतिज ऊर्जा होती है जो विमान के आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किएगा ईंधन के बजाय इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किएगा ईंधन को दर्शाते हैं। एक टर्बो फैन उस बर्बाद वेग को इकट्ठा करता है और इसका उपयोग एक डॉक्टेड पंखे को बिजली देने के लिए करता है जो टर्बाइन के बाकी हिस्सों के चारों ओर बाईपास चैनलों से हवा उड़ाता है। यह अधिक हवा को धकेलते हुए प्रणोदक जेट की गति को कम करता है और इस प्रकार अधिक द्रव्यमान बनाता है। दूसरा दंड यह है कि कम गति पर दहन कम कुशल होता है। बेहतर दहन प्राप्त करने के लिए इंजन के दबाव अनुपात या टर्बाइन तापमान को बढ़ाकर ईंधन की खपत को कम करने की कोई कार्रवाई निकास नली में दबाव और तापमान में इस प्रकार की वृद्धि का कारण बनती है जो बदले में प्रणोदक नोजल से अधिक गैस की गति का कारण बनती है। हालांकि इंजन का एक पाउंड का थ्रस्ट पैदा करने के लिए कम ईंधन का उपयोग करेगा लेकिन तेज प्रणोदन जेट में अधिक ईंधन बर्बाद करेगा। दूसरे शब्दों में थर्मल और प्रणोदन क्षमताओं की स्वतंत्रता जैसा कि पिस्टन प्रोपेलर इंजन के साथ मौजूद है जो टर्बोजेट से पहले ठीक हो जाती है। इसके विपरीत इस स्वतंत्रता को हासिल करना टर्बो फैन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। उष्म गतिकीय चक्र का कार्यशील पदार्थ एकमात्र द्रव्य मान है जिसमें टर्बोजेट में थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए त्वरित किया जाता है जो सुपरसोनिक की कम गति वाले विमान की गति के लिए एक गंभीर सीमा है। सबसोनिक उड़ान गति के लिए प्रणोदक की जेट की गति कम करनी पड़ती है क्योंकि थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए एक कीमत की चुकानी पड़ती है। इंजन के अंदर गैस को त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा दो तरीकों से खर्च होती है, संवेग में परिवर्तन और वेग जो एयर ब्रीदिंग द्वारा थ्रस्ट उत्पन्न करने का एक अपरिहार्य परिणाम। वेग और इसे उत्पन्न करने के लिए जलाए गए ईंधन को कम कर दिया जाता है। त्वरित द्रव्यमान को बढ़ाकर आवश्यक थ्रस्ट को भी अभी भी बनाए रखे जा सकते हैं। एक टर्बो फैन इंजन के अंदर उपलब्ध ऊर्जा को गैस जनरेटर से एक डॉक्टेड पंखे से स्थानांतरित करके ऐसा करता है। कोर से बाईपास हवा में ऊर्जा के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप कम दबाव और तापमान वाली गैस कोर नोजल में प्रवेश करती है और पंखे द्वारा उत्पादित उच्च दबाव और तापमान वाली बायो पास हवा पंखे की नोजल में प्रवेश करती है। हस्तांतरित ऊर्जा की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि पंखों को कितना दबाव बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। दो प्रवाहों के बीच सबसे अच्छा ऊर्जा विनियम और जेट वेगों की तुलना कैसे की जाती है इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानांतर कितनी कुशलता से होता है और दो पंखे टर्बाइन और पंखों में होने वाले नुकसानों पर भी निर्भर करता है। पंखे के प्रवाह में निकास वेग कम होता है जिससे प्रति इकाई ऊर्जा में बहुत अधिक थ्रस्ट मिलता है। दोनों एयर स्ट्रीम इंजन के सकल थ्रस्ट में योगदान करते हैं। बाईपास स्ट्रीम के लिए अतिरिक्त हवा एयर इनटेक स्ट्रीम ट्यूब में रैम ड्रम को बढ़ाती है लेकिन फिर भी नेट थ्रस्ट में उल्लेखनीय वृद्धि होती है जो दो निकास जेट के समग्र प्रभावी निकास वेग को एक सामान्य सबसोनिक विमान की उड़ान की गति के करीब बनाया जा सकता है और आदर्श फ्लॉड दक्षता के करीब हो जाता है। एक टर्बो फैन हवा के एक बड़े दरमियान की अधिक धीरे धीरे त्वरित करता है जबकि एक टर्बोजेट बहुत छोटी मात्रा को अधिक तेजी से त्वरित करता है जो समान थ्रस्ट उत्पन्न करने का काम कुशल तरीका से नीचे दक्षता करता है। इंजन कोर को बाईपास करने वाली हवा के दरमियान प्रवाह की तुलना में कोर से गुजरने वाली हवा के दरमियान प्रवाह के अनुपात को बाईपास अनुपात कहा जाता है। फैन थ्रस्ट सापेक्ष अधिक जेट थ्रस्ट वाले इंजन को लो बाईपास टर्बो फैन के रूप में जाना जाता है जिसमें जेट थ्रस्ट की तुलना में काफ़ी अधिक फैन थ्रस्ट होता है
और इन्हें हाई बाईपास के रूप में जाना है। तो उपयोग में आने वाले अधिकांश वाणिज्यिक विमान जेट इंजन हाई बाईपास और अधिकांश आधुनिक लड़ाकू जेट लो बाईपास। लड़ाकू विमानों में लो बाईपास टर्बोफैन का ऑफ्टर बर्नर का उपयोग किया। टर्बोफैन इंजन का बाईपास अनुपात बाईपास स्ट्रीम के दरमियान प्रवाह और कोर में प्रवेश करने वाले दरमियान प्रवाह दर के बीच का अनुपात। उदाहरण के लिए 6 के बाईपास अनुपात का मतलब है कि दहन कक्ष से गुजरने वाली मात्रा की तुलना में 6 गुना हवा बाईपास वाहनी से गुजरती। टर्बोफैन इंजन को आमतौर पर बीपीआर के संदर्भ में वर्णित किया जाता है, जो समग्र दबाव अनुपात, टर्बाइन इनलेट तापमान और पंखे के दबाव अनुपात के साथ महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर है। इसके अलावा बीपीआर को टर्बोप्रॉप और अनडक्टेड फैन इंस्टॉलेशन के लिए उद्धृत किया जाता है, क्योंकि उनकी उच्च प्रणोदन दक्षता उन्हें बहुत उच्च बाईपास टर्बोफैन की समग्र दक्षता विशेषता प्रदान करते हैं। यह उन्हें प्लॉट पर टर्बोफैन के साथ दिखाने की अनुमति देता है, जो बढ़ते बीपीआर के साथ विशिष्ट ईंधन खपत को कम करने में रुझान दिखाता है। बीपीआर को लिफ्ट फैन इंस्टॉलेशन के लिए भी उद्धृत किया जा सकता है, जहां पंखे का वायु प्रवाह इंजन को दूर होता है और इंजन कोर से आगे नहीं बहता। एक स्थित कोर दबाव अनुपात और टर्बाइन कोर और बाईपास जेट वेग बराबर और विशेष उड़ान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीपीआर में वृद्धि के साथ प्रति एलबी थ्रस्ट ईंधन की खपत को कम हो जाती है। उसी समय सकल और शुद्ध थ्रस्ट बढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा में बीपीआर बढ़ाकर समान कोर चक्र के लिए ईंधन की खपत को कम करने की काफ़ी संभावना है। यह प्रति एलबी में थ्रस्ट के पाउंड में कम और जेट में खोई हुई गतिज ऊर्जा में परिणामी कमी। यदि गैस टर्बाइन में सभी गैस शक्ति को प्रणोदक नोजल में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। बाईपास का मतलब आमतौर पर गैस टर्बाइन से गैस पावर को हवा की बाईपास स्ट्रीम में स्थानांतरित करना होता है, ताकि ईंधन की खपत और जेट शोर को कम किया जा सके। वैकल्पिक रूप से ऑफ्टर बर्निंग इंजन की आवश्यकता हो सकती है, जहां बाईपास के लिए एकमात्र आवश्यकता ठंडी हवा प्रदान करना होता है, और इन इंजनों को लीकी या निरंतर ब्लेड टर्बोजेट प्रेंट और विटनिक के लिए मर्जे मार्जिन के साथ ऑफ्टर बर्नर कूलिंग प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। प्रोपेलर इंजन कम गति के लिए सबसे कुशल होते हैं। टर्बोजेट इंजन उच्च गति के लिए और टर्बोफैन इंजन दोनों के बीच सबसे कुशल होते हैं। टर्बोफैन लगभग 500 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा 270 से 540 वाट की गति सीमा में सबसे कुशल इंजन है, जिस गति पर अधिकांश वाणिज्यिक विमान संचालित होते हैं। एक टर्बोजेट इंजन में उच्च तापमान और उच्च दबाव वाली निकास गैस में तेजी आती है, जब यह एक प्रणोदक नोजल के माध्यम से विस्तार से गुजरती है और सभी थ्रस्ट का उत्पादन करते हैं। कंप्रेसर टर्बाइन द्वारा उत्पादित यांत्रिक शक्ति को अवशिष्ट करता है। यह बाईपास डिजाइन में आंतरिक टर्बाइन का एक डक्टेड पंखे को चलाते हैं और जो इंजन के सामने हवा को पीछे की ओर त्वरित करता है। यह उच्च बाईपास डिजाइन में डक्टेड पंखा और नोजल अधिकांश थ्रस्ट का उत्पादन करते हैं। टर्बोफैन सिद्धांत के रूप में टर्बोप्रॉप से बहुत निकटता से टर्बोफैन टर्बोजेट के बीच एक मध्यवर्ती चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निकास गैसों के अपना सारा थ्रस्ट प्राप्त करते हैं। टर्बोप्रॉप अपनी सर्वश्रेष्ठ उड़ान गति पर टर्बोजेट की तुलना में महत्वपूर्ण ईंधन बचत देता है, भले ही टर्बोजेट के कम नुकसान वाले प्रोपेलिंग नोजल में अतिरिक्त टर्बाइन गियर बॉक्स और एक प्रोपेलर जुड़ा जाता है। टर्बोफैन में कंप्रेसर चरण ब्लेड पंखे और बाईपास डक्ट की अधिक संख्या के कारण अतिरिक्त नुकसान होता, जबकि एक टर्बोजेट इंजन गर्म उच्च वेग निकास गैस जेट के रूप में थ्रस्ट का उत्पादन करने के लिए इंजन के सभी आउटपुट का उपयोग करता है। एक टर्बोफैन की सबसे ठंडी कम वेट बाईपास हवा एक टर्बोफैन प्रणाली द्वारा उत्पादित कुल थ्रस्ट का 30% से 70% के बीच पैदावार करती है। कोल्ड डक्ट और कोर डक्ट के नोजल सिस्टम दो अलग अलग निकास प्रवाह के उपयोग के कारण अपेक्षाकृत जटिल। उच्च बाईपास इंजन में पंखा इंजन के सामने एक छोटे डक्ट में स्थित होता है, और इसमें आमतौर पर एक अभिसारी ठंडा नोजल होता है। डक्ट की पूंछ एक कम दबाव अनुपात नोजल बनाती है, जो सामान्य परिस्थितियों में कोर के चारों ओर सुपरसोनिक प्रवाह पैटर्न द्वारा चौक की जाएगी। कोर नोजल आधिकारिक पारंपरिक लेकिन कम जोर उत्पन्न करता है, और डिजाइन विकल्पों के आधार पर जैसे शोर के विचार संभवतः चौक नहीं हो सकता। कम बाईपास इंजन में दोनों प्रवाह डक्ट के भीतर मिल सकते हैं और एक समान नोजल साझा कर सकते हैं, जिसे ऑफ्टर बर्नर के साथ फिट किया जा सकता है। हाई बाईपास टर्बोफैन के माध्यम से अधिकांश वायु प्रवाह कम वेग वाला बाईपास प्रवाह होता है, यहाँ तक कि बहुत अधिक वेग वाले इंजन निकास के साथ संयुक्त होने पर भी औसत निकास वेग शुद्ध टर्बोजेट की तुलना में काफ़ी कम होता है। टर्बोजेट इंजन का शोर मुख्य रूप से उच्च निकास वेग में उत्पन्न जेट शोर होता है, इसलिए टर्बोफैन इंजन समाप्त थ्रस्ट वाले शुद्ध जेट की तुलना में काफ़ी शांत होता है, और जेट शोर अब प्रमुख स्रोत नहीं रह गया।
टर्बोफैन इंजन का शोर इनलेट के माध्यम से ऑफस्ट्रीम और प्राथमिक नोजल और बाईपास डक्ट के माध्यम डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ फैलता है। अन्य शोर स्रोत पंखा, कंप्रेसर और टर्बाइन है। आधुनिक वाणिज्यिक विमान अलग अलग प्रवाह गैर मिश्रण लघु वाहिनी निकास प्रणालियों के साथ ऊंच बाईपास अनुपात इंजन का उपयोग कर उनका शोर निकास विशेष रूप से ऊंच थ्रस्ट स्थितियों में दौरान जैसे कि टेक ऑफ के लिए आवश्यक जेट शोर का प्राथमिक स्रोत इंजन के निकास में कतरनी परतों का अशांत मिश्रण। इन कतरनी परतों में अस्थिरता होती है जो अत्यधिक अशांत भौरों को जन्म देती है जो धोने के लिए जिम्मेदार दबाव में उतार चढ़ाव उत्पन्न करती है। जेट प्रवाह से जुड़े शोर को कम करने के लिए एरोस्पेस उद्योग ने कतरनी परत अशांति को बाधित करना और उत्पादित समग्र शोर को कम करने की मांग की जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ टर्बोफैन। आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। और क्या है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण आप देखते होंगे वीडियो जो हम मात्र 10 मिनट का ही बना पाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के बाद अपलोडिंग वगैरह में और उसका क्वालिटी वगैरह में चेंजेस आते हैं। कुछ कमेंट आए हैं कि यहाँ पे बस आप जो है रीडिंग करते हैं, कुछ ग्रोथ नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। आई होप एक ना एक दिन ग्रोथ ज़रूर मिलेगा हमें यूट्यूब से, और हमें पूर्ण विश्वास है। और जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसा ही कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।